आपका आज से पहला चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है कक्षा 10 के लिए भौतिक विज्ञान। पहले चैप्टर का जो नाम रहा वो प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आप क्लास 8 में पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या होता है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। इस बात को ध्यान में रखिए, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, जब प्रकाश की किरण ये आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से समझिए, किसी चिकने सतह पर टकराता है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसा कि चित्र से आप समझ सकते हैं, देखिए ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसे आपतित किरण कहा जाता है, और आपतित किरण जहां पर टकराती है वहां पर उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। अब टकराने के पश्चात वह प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है जिसे परावर्तित किरण कहते हैं, और आपतन बिंदु से खींचा गया जो अभिलंब है, आपतन बिंदु से खींचा गया जो लंब रेखा है उसे अभिलंब का नाम दिया गया है। और यहां चित्र पर जैसा कि दिखाया गया है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है यह आपतन कोण है, जिसे एंगल आई से सूचित किया जाता है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण है वह बेटा आपका परावर्तन कोण होता है, इसे एंगल आर से डिनोट करते हैं। और चित्र में आपका ये दोनों एंगल जो दिखाई दे रहा है आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया पहला हेडिंग प्रकाश का परावर्तन क्या है, जैसा चित्र में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर लिख दिया गया है। अब देखिए प्रकाश की परावर्तन का नियम होता है, तो हम जानते हैं कि इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला आपका यहां चित्र से आप देखिए, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल पर होते हैं, जैसा तो आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा यह है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, एंगल आई बराबर के एंगल आर होते हैं। दूसरी चीज, जैसे इसमें आप प्रकाश पढ़ रहे हो, जैसे प्रकाश क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। कोई वस्तु हम डायरेक्ट नहीं देखते हैं, कोई वस्तु डायरेक्ट नहीं देखा जा सकता, पहले उस पर प्रकाश पड़ता है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसा कि ये डार्क रूम है आपका, जैसे डार्क रूम आपको दिखाया जा रहा है। अब यदि कह दिया जाए कि इस रूम के अंदर आपकी किताब है उसको लेकर आना है, तो आप कहोगे कि वहां पर प्रकाश नहीं है इसलिए वह वस्तु हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो ही इस पर प्रकाश पड़ता है इस वस्तु पर, तो वह वस्तु हमको दिखाई देने लगता है। तो इससे आशय क्या निकलता है कि
उस वास्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो पहले इस वास्तु पर प्रकाश गिरेगा, यहां से टकराने के पश्चात हमारे आंख पर एक भाग होता है जो कार्निया होता है बेटा, वहां से प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है। जब प्रकाश अंदर प्रवेश कर जाता है